So hey guys, can you see my room right now? And this is the particular place where I used to do my workout. मैं छत पे भी कर सकता हूँ, but ये जो जगह है मेरे room की, यहाँ पे जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है, this is the best place I found for myself to work out. सामने बोलते हैं, ऊपर एक handmade pull-up bar बना रहा है. पहले तो मैं order कर रहा था ये pull-up bar Flipkart से. फिर मैंने पापा जी को बताया कि पापा जी देखो ऐसा होगा और ऐसा होता है completely इसका infrastructure pull-up bar का. पापा जी बोले अच्छा ये तो मैं घर पे बना दूंगा. तो बाबा जी लेके आए, बांस की लकड़ी ली, ऊपर दो हुक लिए और यहाँ पे बना के लगा दिया. दिस इज द प्लेस ऑफ माई रूम. ये जगह जो आपको दिख रही है इतनी, यहाँ पे कंप्लीट में स्कीपिंग, कोर वर्कआउट, देन पुल अप, शेयर पुश अप्स. नाउ आई विल शो यू माई वर्कआउट एट दिस प्लेस. और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जगह पे वर्कआउट करने के मैंने बॉडी कैसे बनाई है. मतलब कि ऐसा नहीं कि बड़ा करना, बॉडी बिल्डर जैसे बॉडी बना रखी है, बट to remain fit it's like okay. तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो है स्किपिंग. तो बॉडी वॉर्म अप हो जाता है कम्प्लीट, और फिर उसके बाद में कोर, फिर उसके बाद में पुलअप्स, उसके बाद में थोड़ा चेस्ट वर्कआउट पुशअप्स, एंड देन उसके बाद में मैं डंबल्स की जगह सीमेंट की जो ब्रिक्स आती है ना इंटरलॉकिंग वाली, वो यूज़ करता हूँ. स्किपिंग में करता हूँ अराउंड 1500, उसके बाद में स्विच करते हैं कोर वर्कआउट पे. कोर, और अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी मैंने किम भी 200 या 250, थोड़ा जल्दी ऐसे अब मैंने उसे क्या वो पता थोड़े ना लगेगा, तो मैं 200-250 करके निपटा रहा हूँ. बट सत्यवादी बुद्धा हमारे पास में, ये देखिए आप, तो हम झूठ नहीं बोले, मैंने 200-250 किम भी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्विच टू कोर वर्कआउट. So just after completing core workout, you can see that how much I am sweating. भयंकर वाला पसीना आ रहा है यहाँ पे राजस्थान में. So after core, so just have a look how I used to target my upper body. ना मुझे ये पता कि कितने डायमेंशन के हैं, बट हैं ये मेरे डंबल. स्टूल दिख रहे हैं आपको, स्टूल नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये स्टूल नहीं है, ये है मेरी बेंच. ये जो इंटरलॉकिंग की ब्रिक्स आती है, जो टाइल्स आते हैं, वो टाइल नहीं है, ये है मेरे डंबल. और ये एक बांस का लट नहीं है, यहाँ पे जो ऊपर लगा हुआ है ये.
और अब हमें पुलअप्स करनी है, तो पुलअप्स और कर लेते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। अभी मैं आपको मेरी बैग दिखाता हूँ। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैं आज तक जो मैं नहीं गया हूँ,